हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 5 दिन में कैसे अपनी टाइपिंग को बढ़ाएं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे ऊपर जो दिख रहे इसको बोलते हैं आप अपर रो। अपर रो में QWER आते हैं, ये ऊपर की लाइन होती है। फिर लास्ट वाली जो लाइन आपको दिख रही है इसको बोलते हैं लोअर रो। लोअर रो में आपके एक्स जेड सी वी बी एन एम कॉमा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क। और मिडिल वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं होम रो, जो हमारा एक घर होता है और स्टार्टिंग हम होम रो से ही करते हैं। सबसे ऊपर जो लाइन आपको दिखेगी इसको बोलते हैं हम नंबर रो। नंबर रो पे हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट जो फिंगर हमारे होते हैं 10, उसके सेटअप से ही हम कर सकते हैं। अपनी स्पीड को आपको बढ़ाना है तो आपके फिंगर सेटअप होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फिंगर सेटअप नहीं कर पाएंगे तो फिंगर सेटअप न होने की वजह से आप कितना भी फास्ट लिखते हो आपकी धीरे धीरे स्पीड वो स्लो हो जाएगी। अगर फिंगर सेटअप है तो आँख बंद कर कर भी आप लिख सकते हैं। तो कैसे हम अपने फिंगर से सेटअप के साथ टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाएंगे, तो आपका जो थंब है उसको हम हर वक्त कहाँ रखते हैं, स्पेस बार पे। बाएं वाले फिंगर कानी उंगली से हम ए लिखेंगे, फिर दूसरे वाले उंगली से यस लिखेंगे, तीसरी वाली उंगली से डी लिखेंगे, चौथी वाली उंगली से एफ लिखते हैं, और बचा थंब। थंब से आप स्पेस बार पे टच करते हैं, और इससे हम प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी। अब दाएं वाले फिंगर की बात करते हैं। कानी वाली जो फिंगर है सेमी कॉलम पे रखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा वाला जो फिंगर है एल पर आएगा, तीसरा फिंगर आपका के पे आएगा, चौथा वाला फिंगर जे पर आएगा। इस तरीके से हमने अपने फिंगर को रख लिया, फिर स्पेस जो है हमारा थंब हमारा स्पेस पे आ जाएगा। जो आपका कीबोर्ड होना चाहिए सॉफ्ट होना चाहिए, अगर सॉफ्ट है तो आसानी से आप आपकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। चलिए फिर से रखते हैं ए एस, दूसरे वाले फिंगर को यस पे रखेंगे, तीसरे वाले फिंगर को डी पे, और जो चौथा फिंगर है वो आएगा एफ पे। तो आपने इसको रख दिया, फिर धीरे धीरे इसको करेंगे। फिर दाएं वाले फिंगर को भी रखते हैं सेमी कॉलम एल के जे। इस तरीके से आपने रख दिया और दोनों थंब को लाकर आप कहाँ रखेंगे, स्पेस बार पे। अब राइट वाले चौथे फिंगर से आप यच प्रेस करेंगे, और लेफ्ट वाले फिंगर से चौथे नंबर वाला जो फिंगर है लास्ट वाला उससे आप जी प्रेस करेंगे। फिर उसी से आप ऊपर के नंबर को जो दिख रहे हैं उसको आप कर सकते हैं। लेफ्ट वाले कानी उंगली से आप जेड ए क्यू वन प्रेस कर सकते हैं, और लेफ्ट वाले सेकंड वाले फिंगर से एक्स एस डब्ल्यू टू प्रेस कर सकते हैं। लेफ्ट वाले तीसरे फिंगर से आप क्या करेंगे, सी डी ई थ्री ये प्रेस कर सकते हैं, और जो चौथा वाला फिंगर है उससे आप वी एफ आर फोर बी जी टी फाइव। इस तरीके से आप लेफ्ट वाले फिंगर से आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं, ये आपके होने चाहिए। बात करते हैं राइट वाले फिंगर से, तो कानी उंगली से आप ऑब्लिक सेमी कॉलम पी जीरो इसको प्रेस करेंगे। फिर कानी उंगली के बाद जो दूसरा फिंगर है आपका जिसको आप एल पे रखते हैं उससे एल ओ नाइन प्रेस कर सकते हैं। अब तीसरे फिंगर पे आते हैं, जो तीसरा फिंगर है इसे कॉमा के आई एट को प्रेस करेंगे। अब जे वाले जो फिंगर पे जिस फिंगर से आपने जे पर रखा हुआ है इससे आप क्या करेंगे, एम थ्री जे यू सेवन सिक्स वाई एच एन इतने वर्ड को आप प्रेस करेंगे, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे दिन में कम से कम आपको 2 घंटे प्रैक्टिस करने होंगे, और डेली अगर आप 5 दिन कंटिन्यू इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फिंगर सेटअप बैठ जाएगा और स्पीड धीरे धीरे आपकी बढ़ने लगेगी। चलिए प्रेस करते हैं। पहले वाले दिन ए एस डी एफ जी एच जे के एल सेमी कॉलम कंटिन्यू आपको ये प्रेस करना है पहले दिन, और पहले दिन आपको अपने होम वाले की को ही प्रेस करना है, न कि अपर वाले लोअर वाले और नंबर वाले की को प्रेस करना है। इन सभी को नहीं प्रेस करना है, केवल आपका फोकस होना चाहिए पहले दिन ए एस डी एफ जे के एल सेमी कॉलम और जी एच इतने नंबर को आप कंटिन्यू प्रेस करते रहेंगे। लगातार जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप स्पीड बढ़ती जाएगी। अगर आप चाहते हैं ये कैपिटल लेटर
में आ जाए तो इसके लिए जितने कैपिटल लेटर जितनी बार आपको चाहिए तो शिफ्ट के साथ उस बटन को प्रेस करेंगे। शिफ्ट के साथ ए प्रेस करेंगे, ए कैपिटल में हो जाएगा। शिफ्ट के साथ एस प्रेस करेंगे, एस कैपिटल में हो जाएगा। शिफ्ट के साथ डी प्रेस करेंगे, डी कैपिटल में हो जाएगा। शिफ्ट के साथ एफ प्रेस करेंगे, एफ कैपिटल में हो जाएगा। अगर आप परमानेंटली लिखना चाहते हैं कैपिटल लेटर में सभी लेटर को, कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे, सभी लेटर कैपिटल में हो जाएंगे। फिर चाहते हैं कि आप स्मॉल लेटर में सभी लेटर हैं तो कैप्स लॉक को एक बार प्रेस कर दीजिए, वो ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो फिर से आप स्टार्ट करिए, अपने फिंगर को रखिए। फिंगर सेटअप से प्लस पॉइंट आपके लिए है, कहीं भी आप जॉब के लिए जाते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड पूछी जाती है तो आसानी से आप आँख बंद करके भी टाइपिंग कर सकते हैं। चलिए टाइपिंग कर की प्रैक्टिस करते हैं। ए एस डी एफ जे के एल सेमी कॉलम, फिर प्रेस करते हैं ए एस डी एफ जे के एल सेमी कॉलम ए एस डी एफ जे के एल सेमी कॉलम। ये आपको कंटिन्यू प्रेस करते रहना है जब तक आपका फिंगर सेटअप ना हो जाए। कंटिन्यू प्रेस न करते रहें तब तक इसको करते रहिए। अगर किसी वर्ड को आपको कैपिटल में लिखना है तो शिफ्ट जब भी प्रेस करिए, अगर ए एस डी एफ के साइड का कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो लेफ्ट राइट साइड वाले कानी उंगली से शिफ्ट को प्रेस करिए। कानी उंगली से इंटर भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपका समय भी बचेगा और स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर लेफ्ट वाले साइड से अगर शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो उसमें तो आपका समय जाता है, और राइट साइड वाले शिफ्ट का प्रयोग करेंगे लेफ्ट साइड वाले फिंगर को यूज करने के लिए तो आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगी। ये आपका पहले दिन का कोर्स था, इसको आप पहले दिन कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं डे टू के बारे में। डे वन में आपने प्रैक्टिस जो किया ए एस डी एफ जी एच जे के एल सेमी कॉलम, चलिए उसको मैं फिर से आपको बताता हूँ। ए एस डी एफ ये डे वन में आपने सीखा था, और इसको प्रैक्टिस सेकेंड डे में कुछ देर तक आप करेंगे। ए एस डी एफ और चौथे वाले फिंगर से आपको जी भी प्रेस करना है, फिर उसके बाद एफ, उसके बाद क्या करना है, कोटेशन मार्क, कोटेशन जो कॉमा होता है ऊपर वाला उसको बोलते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट वाला मतलब कोष्टक जो होता है उसको हम कोटेशन मार्क भी बोलते हैं, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा हो तो। इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद जे करेंगे, फिर फिंगर को उसी तरीके से रखेंगे जैसे आपने पहले वाले दिन रखा था, ए एस डी एफ जी एच, फिर उसके बाद क्या करेंगे कानी वाले फिंगर से सेमी कॉलम एल के जे एच। तो लास्ट वाले चौथे नंबर वाले दोनों फिंगर को, राइट एंड लेफ्ट वाले को, आपको एच और जी को कंटिन्यू प्रेस करना है। एक बार एच को प्रेस करना है, एक बार जी को प्रेस करना है, एक बार एच को प्रेस करना है, एक बार जी को प्रेस करना है। और सेकंड वाले डे में, इस वाले डे में आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ सभी की को यूज करना है। एक बार स्मॉल लेटर लिखेंगे, एक बार कैपिटल लेटर लिखेंगे, एक बार स्मॉल लेटर लिखेंगे जैसे ए आपने लिखा, फिर ए को स्मॉल से कैपिटल लिखने के लिए शिफ्ट के साथ यूज करेंगे, फिर एस को शिफ्ट के साथ एस करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ कैपिटल डी करेंगे, शिफ्ट के साथ कैपिटल एफ करेंगे, शिफ्ट के साथ कैपिटल जी करेंगे, फिर राइट वाले साइड पे वही ऑप्शन यूज करेंगे शिफ्ट के साथ। अगर आपको दूसरा जो आपको नंबर दिख रहा है उसमें जैसे एक कॉमा है, कॉमा लगाने के लिए आप सिंगल बार प्रेस करेंगे, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा लगाने के लिए आप शिफ्ट के साथ उसे प्रेस करेंगे तब आएगा। उसी प्रकार से जब आप प्रेस करते हैं कॉमा के लिए तो क्या करते हैं, एक बार कॉमा आ जाता है, फिर शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करेंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो क्लोज हो जाएगा। फिर सेमी कॉलम आपका है, सेमी कॉलम से कॉलम में लाने के लिए उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, सेमी कॉलम आ जाएगा। अब स्मॉल जी है तो स्मॉल जी को कैपिटल में करने के लिए राइट साइड वाले शिफ्ट को प्रेस करके लेफ्ट साइड वाले फिंगर से आप उसको प्रेस करेंगे, वो आ जाएगा। इस तरीके से आपको कंटिन्यू करते रहना है। ए एस डी एफ ए एस डी एफ जी एच जे के एल सेमी कॉलम, कोटेशन मार्क लाना है तो शिफ्ट के साथ करेंगे, कॉमा लाना है फिर राइट साइड वाले फिंगर से, कानी वाले जो फिंगर है वहाँ से करेंगे, इंटर करना है राइट साइड वाले कानी उंगली से आपको करना है, फिर उसके बाद अगर आपको ब्रैकेट लाना है तो उससे भी आपको कानी उंगली से राइट साइड वाले करना है, जी को लाना है चौथे नंबर राइट वाले फिंगर से आपको जी को एच को प्रेस करना है, जी को लाना है लेफ्ट साइड वाले चौथे नंबर फिंगर से आपको प्रेस करना है। जैसे आपने फिंगर को अपने रखा हुआ है ए एस डी एफ, तो एफ वाले
जो आपने जिस फिंगर से एफ को प्रेस करें उसी फिंगर से आपको जी को प्रेस करना है, जिस फिंगर से आपने जे को प्रेस किया है उसी फिंगर से आपको एच को भी प्रेस करना है, और कोटेशन जो मार्क है उसको आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे वो आ जाएगा, और कानी उंगली से आपको आपको कॉलम भी लाना है, कोलन जो लाना है वहाँ से लाएंगे, और उसी फिंगर से आपको कोटेशन मार्क कामा और इंटर को भी प्रेस करना है। चौथे वाले फिंगर से जो कानी उंगली है आपकी राइट साइड वाली उसी से आपको शिफ्ट को यूज करना है। उसी तरीके से कानी वाली उंगली से जो लेफ्ट वाली फिंगर है आपके शिफ्ट को उसी साथ से आपको प्रेस करना है। तो आपको कोटेशन मार्क जो दिख रहा है इसको लाने के लिए आपको क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ प्रेस करना होगा। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें, क्योंकि ये जानकारी सबको पहुंचे और सभी की स्पीड 40 से 50 60 वर्ड पहुंचे, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में कम से कम इंग्लिश स्पीड आपकी 35 से 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। फिर से आपको ए एस डी एफ के बाद जी फिर एफ फिर आपको क्या करना है कॉमा जो राइट साइड वाले फिंगर हैं फिर कोलन एल के जे एच लगातार प्रेस करते रहना है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो उसी को कैपिटल से स्मॉल, स्मॉल से कैपिटल, स्मॉल से कैपिटल, इस तरीके से आपको कंटिन्यू प्रेस करते रहना है। डे टू में हम लोगों ने ए एस डी एफ जी एच जे के एल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और कोलन इन सभी के बारे में डे वन डे टू मिलाकर मैंने दोनों सीखे। अब हम लोग सीखेंगे अपर रो के बारे में, डब्ल्यू क्यू ई आर टी वाई यू आई ओ पी कैसे प्रेस करेंगे और किस फिंगर से प्रेस करेंगे। लेफ्ट वाले फिंगर को सबसे पहले आप रख लेंगे अपने होम वाले की पर ए एस डी एफ जी पर, फिर राइट वाले फिंगर को आप क्या करेंगे जे के एल और कोलन पे रख लेंगे, जो आपका सेमी कॉलम है वहाँ पे रख लेंगे, फिर थंब को क्या करेंगे स्पेस बार पे रखेंगे। अब प्रेस करते हैं क्यू, क्यू को प्रेस करने के लिए आपको चौथे नंबर वाले फिंगर जो कानी उंगली है उससे आप क्या प्रेस करेंगे क्यू, क्यू को प्रेस करने के लिए आपको कौन से फिंगर चाहिए कानी उंगली जो नंबर वन पे है, फिर उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन जो है आपका डब्ल्यू को प्रेस करने के लिए दूसरे नंबर वाला फिंगर आप प्रेस करेंगे, राइट साइड वाले फिंगर से आप क्या करेंगे यू और वाई को प्रेस करेंगे, राइट वाले फिंगर से आप क्या करेंगे यू एंड वाई को प्रेस करेंगे, फिर लेफ्ट वाले फिंगर से क्या करेंगे जी को प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे राइट वाले फिंगर से एच को प्रेस करेंगे जो पहली उंगली है, फिर उसके बाद लेफ्ट वाले फिंगर पहली उंगली से आर टी प्रेस कर सकते हैं और राइट वाले से वाई यू आसानी से आप पा जाएंगे एच वाई यू, लास्ट वाले फिंगर से क्या करेंगे क्यू, क्यू को आसानी से आप प्रेस करेंगे, फिर दूसरे वाले फिंगर पे आते हैं दूसरे फिंगर से आप क्या करेंगे डब्ल्यू को प्रेस करेंगे, फिर तीसरे से ई को प्रेस करेंगे, चार नंबर से ई, ई के बाद आप क्या प्रेस करेंगे टी, ई प्रेस करने के बाद टी प्रेस करेंगे। अब राइट वाले फिंगर के साइड आते हैं, चलिए कानी उंगली से पी, फिर दूसरे वाले फिंगर से ओ, तीसरे वाले फिंगर से क्या करेंगे आई, चौथे वाले फिंगर से यू, फिर वाई, और इसी फिंगर से हम क्या करेंगे एच को भी प्रेस कर सकते हैं। फिर अपने अगले वाले फिंगर पे आते हैं लेफ्ट साइड वाले क्यू डब्ल्यू ई आर टी, क्यू डब्ल्यू ई आर टी कंटिन्यू आप लेफ्ट साइड वाले फिंगर से प्रेस कर सकते हैं। अब राइट वाले फिंगर्स क्या प्रेस करेंगे वाई, अब हम ऊपर वाले लाइन से देख आपको बताते हैं ऊपर वाले लाइन पे क्या है क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई ओ पी, तो इन सभी को आसानी से आप प्रेस कर सकते हैं एक एक करके क्यू डब्ल्यू ई आर, फिर लास्ट वाले फिंगर से टी को आपको प्रेस करना है आर और टी को। अब राइट वाले फिंगर्स क्या करेंगे पी क्यू आई यू वाई, आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्पीड बढ़ेगी, जितना प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपको 5 दिनों में इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि आपकी स्पीड ऑटोमेटिक 30 से 40 40 से 50 50 से 60 वर्ड पर मिनट पहुंच जाए,
और ये कैसे होगा, आप प्रैक्टिस के से ही होगा आपका। और प्रैक्टिस कैसे होगी, जब आपका फिंगर सेटअप होगा, स्टेप बाय स्टेप अपने फिंगर को रखेंगे तभी ये कर सकते हैं, बिना फिंगर सेटअप के आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिंगर सेटअप नहीं रहेगा, कभी ए पे आप फिंगर रखेंगे, कभी बी पे, कभी सी पे, तो इस तरीके से आप अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा सकते हैं। अब राइट वाले पहले वाले फिंगर से क्या करेंगे, उससे आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, एच जे एच जे, फिर दूसरे वाले लेफ्ट वाले से एफ जी टी वाई, और लास्ट वाले दोनों फिंगर्स क्या कर सकते हैं आप, दोनों साइड के क्यू ला सकते हैं और एक से क्या कर सकते हैं, पी को ला सकते हैं, आसानी से इन दोनों को प्रेस कर सकते हैं। आपको आसानी से मैंने एक डायग्राम में ऊपर लिखा हुआ है, क्यू डब्ल्यू ई आर टी पी आई यू वाई, ये आसानी से आप फिंगर के सेटअप के साथ कर सकते हैं। और इनको आप देखते हैं जो ऊपर वाली लाइन दिखती है, ये ए से लेकर जेड तक जो होता है इसको बोलते हैं हम अल्फाबेटिकल नंबर, अर्थात टाइपिंग की, जो जिसको क्या बोला जाता है, टाइपिंग की, इसको हम टाइपिंग की कहते हैं ए से जेड तक। अब टाइपिंग की को हमने तीन भागों में डिवाइड किया है, पहला जो मिडिल में है उसको होम रो कहते हैं, अब उसके ऊपर जो है उसको बोलते हैं अपर रो, उसके जो नीचे है उसको बोलते हैं लोअर रो। अब फिंगर के सेटअप के साथ आप जैसे ही करेंगे तो धीरे 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 से दो से चार, चार से छः, छः से आठ, ऐसे स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी, और पाँच दिन आते आते आपकी स्पीड 50 से 60 वर्ग पर मिनट होगी, और कोई रोक नहीं सकता इस ब्रह्मास्त्र नियम को अगर आप फॉलो करते हैं, क्योंकि ये आपने अभी तक किसी वीडियो में नहीं देखा होगा और ये जानकारी आपको किसी ने नहीं बताई होगी, किस फिंगर से कौन सा बटन प्रेस होगा, और फिंगर सेटअप के बारे में तो बताया ही नहीं होगा। चलिए डे नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं डे 4 में क्या करना है। अब डे 4 में क्या करेंगे, अभी आपने क्या सीखा, अपर रो के बारे में, जो ऊपर की लाइन दिख रही है क्यू डब्ल्यू ई आर टी यू, ठीक है, इस लाइन जो ऊपर है अपर रो, अब लास्ट वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लोअर रो या बॉटम रो। पहले अपने फिंगर को रखते हैं अपने होम रो पे, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी टाइपिंग को, एक्स जेड सी वी ऑब्लिक पुल स्टॉप कॉमा एम एन। चलिए पहले वाली क्लास में हमने सीखा था यू वी, फिर उसके बाद नीचे वाली होम रो, अब पहले उंगली से क्या करेंगे एम और एन प्रेस कर लेंगे आसानी से, फिर इस वाले फिंगर से भी एंड बी प्रेस करेंगे, फिर उसी उंगली से जी भी आ जाएगा, एच भी आ जाएगा, टी और यू और वी आ जाएगा। देखिए पहली उंगली से क्या आ रहा है, एन और वी और बी आ रहा है। अब देखिए लेफ्ट वाले कानी उंगली से क्या आएगा, जेड आ जाएगा, दूसरे वाले फिंगर्स क्या आएगा आपका, एक्स आ जाएगा, तीसरे वाले फिंगर से देखिए क्या करते हैं, इसको हम सी पे प्रेस कर लेंगे, चौथे वाले फिंगर से क्या करेंगे यू सॉरी वी और बी दोनों हम प्रेस कर सकते हैं। चलिए राइट वाले फिंगर पे आते हैं, थंब को स्पेस बार पे रखते हैं, अब क्या करते हैं कि देखिए जे वाला जो फिंगर हमारा है वो आसानी से किस पर आएगा, हमारा एन पे आ जाएगा, के वाला कॉमा आ जाएगा, एल वाला एम पे आ जाएगा, और एन जो एल है वो कहाँ आ जाएगा, एन पे आ जाएगा। चलिए आपको बताते हैं लास्ट वाले फिंगर को जो सेटअप है उसके बारे में बताते हैं, एकदम जो नीचे लाइन है उसको बोलते हैं बॉटम रो या लोअर रो। देखिए आपका क्या आएगा, पहले वाले से भी एंड बी, फिर इस वाले कानी उंगली से क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं ऑब्लिक का सिंबल कर सकते हैं, फिर जैसे एम और एन दोनों आ जाएगा, एम एंड एन दोनों आ जाएगा, ऑब्लिक आएगा आपका के वाले फिंगर से, के वाले फिंगर से आपका ऑब्लिक आ जाएगा, और लास्ट वाले फिंगर से आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और के वाले से जो आपका क्या है पुल स्टॉप है, और दूसरे वाले से कॉमा आ जाएगा। चलिए देखिए आसानी से आप एक एक फिंगर को ध्यान से देखिए किस तरीके से मैंने सेटअप किया हुआ है, वैसे ही आपको करना है, अलग से नहीं करना है। जी एंड एच पहले वाले फिंगर से आएगा, देखिए पहले वाले फिंगर मैंने जी एच किया, यू किया,
उसके बाद वी किया, यू एंड वाई उसी नीचे लाना है उसी फिंगर को। तो क्या करेंगे देखिए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के सभी की को हम क्या बोलते हैं, टाइपिंग की। ए से लेके जेड तक ये सभी टाइपिंग की में आएंगे। अब पहले वाले फिंगर से आप क्या करेंगे, देखिए कानी उंगली से लेफ्ट वाली साइड से जेड, फिर दूसरे से एक्स, तीसरे से सी, चौथे से भी एंड बी, भी एंड बी। अब राइट वाले फिंगर्स क्या करेंगे, पहली वाली जो उंगली है कानी वाली उससे क्या आएगा आपका, ऑब्लिक आएगा, शिफ्ट के साथ यूज करेंगे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। अब दूसरे वाले फिंगर से क्या आएगा आपका, पुल स्टॉप कामा आ जाएगा, जो कामा वाला साइन है कामा आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उससे आप क्या ला सकते हैं, ग्रेटर देन ला सकते हैं, पुल स्टॉप ग्रेटर देन। फिर उसके बाद तीसरी जो फिंगर है आपके उससे क्या लाएंगे, एम एंड एन, एम एन जो पहली वाली फिंगर है उससे एम एन लाएंगे, दूसरी वाले से आप क्या लाएंगे, कॉमा लाएंगे, तीसरे वाले फिंगर से पुल स्टॉप लाएंगे और ग्रेटर देन ला सकते हैं, चौथे वाले फिंगर जो कानी उंगली है ऑब्लिक ला सकते हैं एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए फिर से ध्यान से आप देखिए, फिर से बताते हैं आपको। चलिए देखिए, के जो आपका कानी उंगली है, ध्यान से देखिए, के से है आपको शिफ्ट को प्रेस करना है, किसी वर्ड को अगर कैपिटल करना है तो कानी ही उंगली से आपको शिफ्ट को प्रेस करना होगा, फिर उसी उंगली से इस साइड में आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, राइट साइड भी, राइट साइड भी कानी उंगली से आपको शिफ्ट प्रेस करना है, लेफ्ट वाले साइड से भी शिफ्ट को कानी उंगली से ही प्रेस करना है, और इंटर भी कानी उंगली से राइट साइड के फिंगर को प्रेस करना है। देखिए पहले वाले फिंगर्स क्या करेंगे, शिफ्ट, शिफ्ट आ गया दोनों साइड कानी उंगली से, और कहीं नहीं जाना है आपको, शिफ्ट कैप्स लॉक लाना है, कानी उंगली से ही आएगा आपका शिफ्ट, राइट भी लेफ्ट भी। अब दूसरा फिंगर क्या करेगा आपका, धीरे से आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, जैसे प्रेस करेंगे तुरंत आ जाएगा, और थोड़ा भी आप प्रेस करने में दूसरा बटन अगर टच हुआ तो दूसरा बटन आ जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, और थंब को कहीं और नहीं लेके जाना है आपको, स्पेस बार पे ही रखना है। अब देखिए पहले फिंगर्स क्या होगा, जो जे पर है जे प्रेस करेंगे, जे के बाद क्या करेंगे, उससे आपका यू आ जाएगा, यू के बाद वी भी कर, यू वाई भी कर सकते हैं। देखिए लास्ट वाली लाइन कहाँ से है, जेड एक्स सी वी बी एन एम कॉमा पुल स्टॉप ऑब्लिक, ये सभी हैं। और जो दूसरा वाला आपको सिंबल दिख रहा है, इसमें जितने भी डबल सिंबल दिख रहे हैं उसको लाने के लिए आपको क्या करने पड़े, शिफ्ट बटन के साथ प्रेस करना होगा। चलिए इस वाले क्लास में आपने इतना सीखा, अगले वाले जो क्लास हमारा है डे फाइव का, तो फोर एंड फाइव पे इसमें मिक्स किया गया था। अब फाइव पे क्या है, देखिए लास्ट वाली लाइन को जो मैं बता रहा हूँ आपको शिफ्ट वाले से एकदम नीचे जो है इसको बोलते हैं लोअर रो, जिसको हम बोलते हैं बॉटम रो भी। अब नंबर को कैसे प्रेस करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, नंबर को, नंबर को लाने के लिए उसके लिए भी आपको इसी होम की से ही प्रेस करना होगा। होम की आपका कहाँ है, ए से लेकर एल तक, जैसे फिंगर आप रखेंगे वैसे उसको प्रेस करेंगे, वहाँ से प्रेस करने के लिए आपको उसी सेटअप पे रहना होगा। तो हमने चार दिन के क्लास में पहले तो होम की के बारे में सीखा, फिर दूसरे वाले क्लास में हमने एच एन जी और बाकी को मैंने रिवाइज किया, तीसरे वाले क्लास में हमने सीखा अपर रो के बारे में, चौथे वाले क्लास में हमने सीखा लास्ट का जो है बॉटम एंड लोअरेस्ट रो उसके बारे में सीखा, शिफ्ट का यूज करना, इंटर का यूज करना, और अब की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, नंबर रो के बारे में, जिसमें नंबर में आपको बताया जाएगा ए से लेकर नाइन तक के। तो वहाँ चलने से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कानी उंगली क्या करेंगे, जे करेंगे और वाई करेंगे, और इस साइड वाले कानी उंगली से शिफ्ट एंड ए प्रेस करेंगे, क्वेश्चन मार्क को लाने के लिए शिफ्ट के साथ आप क्या प्रेस करेंगे, कानी उंगली राइट साइड के शिफ्ट के साथ, ध्यान रखना होगा लेफ्ट साइड के शिफ्ट एंड राइट साइड के क्वेश्चन मार्क को। फिर उसी तरीके से अब दूसरे वाले को लाना है,
एल के साइड, तो देखेंगे उसके साथ क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा, फिर शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे के ग्रेटर लेस का साइन आ जाएगा, फिर उसके बाद पहले वाले फिंगर से एम एंड एन दोनों ला सकते हैं, के वाले से कॉमा लाएंगे, एल वाले से क्या करेंगे फुल स्टॉप ला सकते हैं। इस तरीके से आपको कंटिन्यू ये सेटअप करते रहना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, आपके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें, इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे ये जानकारी उतने ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचेगी। चलिए आगे देखते हैं, इस फिंगर सेटअप को आपको होम की से कहीं नहीं जाना है, हर वक्त परमानेंटली आपको होम की पे ही रखना होगा, क्योंकि होम की जो है होम रो वाला की AF वाला, वहीं से आपको अपर लोअर और नंबर हर जगह जाना है, क्योंकि इधर उधर अगर आपका हो जाएगा तो आप नहीं स्पीड बढ़ा सकते हैं। आपको लगातार 5 दिन बिना रुके बिना टूटे, क्योंकि पर डे आपको कम से कम 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी कैसे। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। अगर आपका दृढ़ निश्चय पक्का है कि हमें 5 दिनों में 50 से 60 वर्ड पर मिनट लाना ही है, तो आपको प्रैक्टिस डे बाई डे करना ही होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं किया जा सकता। तो पहले दिन आप क्या करेंगे, पहले दिन आप क्या करेंगे कि होम की वाले जितने बटन हैं ए से लेकर एल तक को आपको कंटिन्यू प्रेस करना है और किसी भी ऑप्शन पे नहीं जाना है। दूसरे दिन आपको क्या करना है, अपर वाले रो के जितने की हैं QWER इस पर वर्क करना ही है। तीसरे वाले दिन आपको क्या करना है, लोअर रो ZXC वाले लास्ट वाले की जो ऑप्शन है उसको आपको कंटिन्यू प्रेस करना ही है। चौथे दिन क्या करना है, इन तीनों को शिफ्ट के साथ जितने दूसरे वाले नंबर दिख रहे हैं उसको यूज करना ही है। अब पांचवें दिन की बात करें तो पांचवें दिन में आपको क्या करना है, नंबर के बारे में A1 से लेकर 0 तक के जो नंबर हैं इस पर आपको हार्ड वर्क करना होगा, क्योंकि अब जो भी आप करेंगे जो ऊपर की लाइन दिख रही है A1 2 3 4 5 6 इसको कंटिन्यू प्रेस करना है। कैसे प्रेस करेंगे, सबसे पहले आप आ जाएंगे होम रो पे, होम रो आपका क्या है A से लेकर L तक का, तो पहले वाले जो फिंगर है आप देख रहे हैं कानी उंगली, इससे आप क्या प्रेस करेंगे 1, फिर दूसरा वाला जो फिंगर है उससे आप क्या प्रेस करेंगे 2, तीसरे वाले फिंगर से आप क्या प्रेस करेंगे 3, चौथे वाले फिंगर से आपको क्या प्रेस करना है 4 एंड 5, ये तो लेफ्ट हैंड के की हो गए, देखिए 4 एंड 5 फर्स्ट वाले जो चौथा नंबर का की है कानी उंगली से आप काउंट करेंगे तो चौथे नंबर पे आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से इस साइड में देखेंगे राइट साइड में, तो आप कानी उंगली से जो प्रेस करेंगे कानी उंगली से आपका क्या आएगा 0 आ गया, फिर उसके बाद दूसरा वाला जो की है उससे आप क्या प्रेस करेंगे 9 प्रेस करेंगे, तीसरे वाले नंबर पर जब आएंगे आप उससे क्या प्रेस करेंगे 8 प्रेस करेंगे, चौथे वाले फिंगर से आप क्या प्रेस करेंगे 7 प्रेस करेंगे, और जो लास्ट का बचता है चौथे वाला उसे 6 एंड 7 करेंगे, 6 एंड 7 राइट साइड के चौथे नंबर की से। आपको फिर से आपको बता देते हैं उसी चीज़ को, देखिए 0 कानी उंगली से, दूसरे से 9, तीसरे से 8, चौथे से 6 एंड 7 दोनों प्रेस करना है, और राइट साइड से आप क्या लेफ्ट साइड से क्या करेंगे कानी उंगली से 1, दूसरे वाले से 2, तीसरे वाले से 3, चौथे वाले से 4 एंड 5, ये कंटिन्यू आपको प्रेस करते रहना है लगातार, क्योंकि जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही निखार आएगी। और इस तरीके से आपने 1 से 5 दिनों में टाइपिंग के सभी रूल्स सीख लिए हैं, और इसको आप लगातार जितना हो सके प्रैक्टिस करेंगे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते कंटिन्यू प्रेस करिए, क्योंकि 5 दिनों में तो आपने अपने फिंगर के सेटअप को सीखा, फिंगर सेटअप होते ही आंख बंद करके भी 50 से 60 वर्ड
ऑटोमेटिक आप पर मिनट लिख सकते हैं, और इसको तभी आपका संभव है जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। देखिए फिर से आपको बताते हैं, 1 2 4 5 आ गया। अब यहाँ देखिए 0 9 8 7 6, फिर क्या करेंगे इसी फिंगर से 1 फिर 2 फिर 3 4 5 4 5 एक ही उंगली से होगा, ये ध्यान रखिएगा। 0 9 8 7 6, फिर उसी फिंगर से वाई भी आपका आएगा और यू भी आएगा। देखिए 4 एंड 5 एक उंगली से होगा और 6 एंड 7 एक ही फिंगर से होगा। तो आपको आज पूरा सेटअप बताया जा चुका है। चलिए कीबोर्ड में कितने की होते हैं उसके बारे में बताते हैं। सबसे ऊपर स्पेस की, नंबर की, टैब की, कैप्स लॉक, शिफ्ट की, शिफ्ट कंट्रोल की, फंक्शन की, विंडो की, लेटर की, स्पेस बार, अल्टर की, सिंबल की, एरो की, उसके बाद प्रिंट स्क्रीन, डिलीट, इंसर्ट की, ब्रेक की, होम की, बैक स्पेस की, पेज अप की, इंटर की, पेज डाउन की, इंटर की। तो इन सभी की के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। बैक स्पेस से क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। नंबर की से केवल नंबर लिखे जा सकते हैं। टैब की से थोड़े से स्पेस हो जाते हैं। कैप्स लॉक से छोटा वर्ड है तो बड़ा वर्ड आ जाएगा। शिफ्ट से छोटे वर्ड को बड़ा लाने के लिए, बड़े वर्ड को छोटा लाने के लिए। कंट्रोल की किसी भी सेलेक्ट करने के लिए, बोल्ड करने के लिए। फंक्शन की ऊपर के जो F1 से F12 तक की को फंक्शन में लाने के। विंडो की किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए विंडो की भी प्रेस करने के बाद आप कर सकते हैं। लेटर की से आप लिख सकते हैं, स्पेस से आप स्पेस दे सकते हैं। अल्टर की स्पेशल फंक्शन को ओपन करने के लिए। सिंबल की इससे सिंबल ओपन होते हैं। डायरेक्शन की जो होता है आपका एरो की। इस तरीके से आपने सभी की के बारे में जानकारी प्राप्त की। चलिए स्पेशल की के बारे में बताते हैं। नंबर की जो 1 से लेकर 9 तक होते हैं, फंक्शन के F12 तक होते हैं। नेविगेशन की छोटे से होते हैं। नमलॉक की जो आपका नमलॉक की होता है या न्यूमेरिक की पैड होता है, इसमें 17 की का सेट होता है, 17 की का सेट होता है। इसमें 17 जो बटन होते हैं वो केवल राइट हैंड साइड से ही टाइप किए जाते हैं। राइट हैंड साइड के अलावा उसको और किसी हैंड से नहीं किया जा सकता। उसका भाई एक सेटअप होता है। अब नमलॉक की जो होता है राइट साइड आपके इस साइड टाइपिंग की साइड, तो इसको आप क्या करेंगे, दोनों हाथ के सेटअप के साथ प्रेस करते हैं। कैसे प्रेस करते हैं, लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 और राइट साइड से 7 8 9 0। अब अलग अलग एक डायग्राम से आपको बताते हैं इसको कैसे आप करेंगे। लेफ्ट वाला आपका हैंड दिख रहा है, कान इंग्लिश क्या प्रेस करेंगे, ZAQ1। उसके बाद जो दूसरा फिंगर दिख रहा है XSW2। तीसरे फिंगर से CDE3। चौथे फिंगर से VFRTGB4 5। अब राइट साइड चलते हैं, कानी उंगली पे आप देखेंगे कानी उंगली से क्या प्रेस कर सकते हैं, 0 P ? अब दूसरा वाला है 9 O L पुल स्टॉप। तीसरे फिंगर से 8 I K ? चौथा वाला फिंगर जो है आपका उसे 6 7 Y U H J N M 3। फिर से देखिए इसको 6 7 Y U H N M, इतने बटन आप प्रेस कर सकते हैं। डायग्राम से आपको आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि डायग्राम से क्या होता है सभी की लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। नोट करने से आपके लिए प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अब कानिंग्लिस क्या करेंगे, 1 Q A Z, दूसरे से 2 W S X, तीसरे से 3 E D C, चौथे से 4 5 R T F U V G B, और जो आपका थंब है इसे स्पेस बार पे रखेंगे। अब राइट साइड वाले पे 6 7 Y U H J
एन एम पहले वाले फिंगर से, दूसरे वाले से एट व आई के कॉमा, तीसरे वाले से 90 एल पुल स्टॉप, चौथे से ओ पी ऑब्लिक सेमी कॉलम। फिर इसी डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, कीबोर्ड कीबोर्डिंग फिंगर चार्ट, तो राइट लेफ्ट दोनों चार्ट आपके बने हैं। थंब किस पर दिख रहे हैं, स्पेस बार पे, क्यू ए जेड और वन, डब्ल्यू एस एक्स टू, तीसरे से क्या है ई डी सी थ्री, चौथे से आर टी एफ वी बी फोर एंड फाइव। अब राइट साइड चलते हैं, यू वाई जे एन एम सिक्स सेवन, दूसरे नंबर से आई जे, दूसरे नंबर क्या है एल सॉरी आई के, तीसरे नंबर से ओ एल। अब आई के वाले से आप आठ भी प्रेस कर सकते हैं, तीसरे से ओ एल नाइन, चौथे से पी सेमी कॉलम ऑब्लिक उसके बाद पी। अब बैठने का पोजीशन आपका कैसा होना चाहिए, आपको स्ट्रेट बैठना है। स्ट्रेट जब बैठेंगे तो क्या कर सकते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। अगर आप डाउन होके बैठेंगे जो सही तरीका नहीं है, और इससे आपके रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम आएगी, और स्ट्रेट बैठने से आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ती है और आपके आँखों पर इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ता है। जैसा कि एक डायग्राम में मैंने आपको बताया हुआ है, हॉट एंड पिक, ये चीज़ें आपकी, क्योंकि आप सीधा कीबोर्ड पे देखेंगे, और कीबोर्ड पे अगर देखेंगे तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सेटअप नहीं होगा, और सेटअप न होने की वजह से आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। जबकि बिना देखे कीबोर्ड पे आपको सीधा टाइपिंग करना है जो आपके कीबोर्ड पे लिखा हुआ है। अब फिंगर में भी आपको एक तरीके से दिखाई देगा, फिंगर में कैसे लिखा है, वन क्यू ए जेड, दूसरे फिंगर से टू डब्ल्यू एस एक्स, तीसरे वाले फिंगर पे थ्री ई डी सी, चौथे फिंगर पे फोर आर एफ यू वी फाइव टी जी बी। ये तो लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड जैसे लिखा हुआ है वैसे आपको टाइप करना है उसी तरीके से, उसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं करना है। और न्यूमेरिक कीपैड से क्या लिखना है, न्यूमेरिक कीपैड राइट हैंड साइड से आपको यूज करने हैं। कान इंग्लिश क्या करना है, सब्सट्रैक्शन का मतलब माइनस का चिन्ह लगाना है, प्लस का इंटर का, दूसरे फिंगर से स्टार जो दिख रहा है उसको बोलते हैं मल्टीप्लाई का सिंबल 963, तीसरे वाले फिंगर से भाग का साइन ये है, उसके बाद 852, फिर चौथे वाले से 7410। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिक कीपैड पे एक से दो दिन लगातार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। बिना प्रैक्टिस के किसी भी क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है और लगातार करते रहना है, आपको 50 से 60 वर्ड स्पीड चाहिए, और बिना देखे आंखें बंद करके आप टाइपिंग की स्पीड बढ़ा सकें, तो फिंगर सेटअप आपका बहुत ही ज़रूरी है। ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, क्योंकि मैंने ब्रह्मास्त्र के 5 नियम आज आपको बताए हुए हैं, और इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो दुनिया में कोई नहीं रोक सकता आपको 50 से 60 वर्ड स्पीड लाने के लिए। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें, क्योंकि ये जानकारी दुनिया के कोने कोने में जो बच्चे हैं उन सभी को पहुंच जाए और उनकी स्पीड भी बढ़ जाए। क्योंकि आजकल देख रहे हैं जितने भी जॉब आ रहे हैं, सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, कंप्यूटर के ऑपरेटर की जॉब हो, तो आपकी स्पीड पे ही डिपेंड है। अगर स्पीड जिन बच्चों की लो है तो उनको जॉब से निकाल दिया जाता है, स्पीड अगर अच्छी है तो उनको अच्छी खासी सैलरी भी दी जाती है, स्पीड पे ही डिपेंड होती है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें, और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपकी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।